झारखंड के सरायकेला खरसावां के भुरवां गांव का यही वो कच्चा घर है जहां चामी मुर्मू ने जन्म लिया। चामी मुर्मू वही महिला जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज से लगभग 35 साल पहले काम शुरू किया। चामी मुर्मू की कोशिशें रंग लाईं जिसने इन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री तक पहुंचा दिया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए साल 2024 में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। दरअसल लेडी टार्जन के नाम से मशहूर चामी ने पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण का सफर शुरू किया था। इसके बाद उनकी टीम समाज में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करने वाली सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उभरी। नए पौधों को लगाने का एकमात्र मकसद था वनों की रक्षा करना। वनों को बचाने के लिए चामी मुर्मू ने 1988 में 10 महिलाओं के साथ कार्य शुरू किया। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए उन्होंने आकस्मिक पौधे लगाने शुरू किए और पिछले 3 दशकों में उनकी टीम ने 30 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। इससे वनों की अवैध कटाई रुकने लगी और चामी मुर्मू के नाम से इस काम में लगे माफिया खौफ खाने लगे। पिछले 30 वर्षों से ये सहयोगी महिला मंडल की सचिव हैं। इन्होंने राज्य के 500 गांवों की महिलाओं को पौधे लगाने के लिए जागरूक किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने 2800 स्वयं सहायता समूह बनाए और प्रत्येक समूह में 10 से 15 महिला सदस्य हैं। चामी मुर्मू ने लाखों ग्रामीण और घरेलू महिलाओं को पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इनकी टीम के प्रयासों का नतीजा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आज बकरी पालन और मुर्गी पालन के साथ ही आधुनिक खेती के जरिए सशक्त बन रही हैं। आदिवासी महिला चामी मुर्मू का जन्म 6 नवंबर 1971 को हुआ था। अविवाहित महिला चामी मुर्मू के पिता का नाम स्वर्गीय धनु मुर्मू है। वर्ष 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित हुईं। वर्ष 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। चाईबासा सामाजिक समन्वय समिति ने चाईबासा रत्न से सम्मानित किया। सहयोगी महिला बगरे साई नाम से इनकी एक रजिस्टर्ड संस्था भी है। ये संस्था गरीब आदिवासी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा हॉस्टल भी दिलाती है। बिना वन विभाग की सहायता लिए और दूर दराज के गांवों की महिलाओं से जुड़कर इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए जिससे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। देश की ऐसी पर्यावरण प्रेमी महिला पर हमें गर्व है।